नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी बज रहा है रात के 11 और आप लोग सोच रहे होंगे कि पूरा दिन निकल गया है, रात भी शुरू हो चुकी है, तब भी मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ। तो दोस्तों उसका सिंपल सा रीज़न है कि मैं करने वाला हूँ ट्रैवलिंग। जी हाँ दोस्तों, अभी जैसे कि मैंने बताया कि 11 बज रहे हैं तो अभी से 3 घंटे के बाद मेरी ट्रेन है। कहाँ के लिए वो जानने के लिए थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। तो यहाँ पर भैया रब्बू भैया और ताऊ जी की चल रही है पैकिंग। हो गई रब्बू या पैकिंग? ध्यान रखियो, वो रख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि 10 महीने में पहली बार तो हम जा रहे हैं कहीं, पैकिंग ही नहीं लग पा रही है। क्यों, दिक्कत आ रही है पैकिंग करने में? भूल जा रहा है। ये समझ लीजिए कि पैकिंग करना भूल गए हैं। सही बात है दोस्त, कम से कम 9 से 10 महीने के बाद। ताऊ जी आप कितने महीने के बाद निकल रहे हो? 10 महीने। तो 10 महीने के बाद दोस्तों पैकिंग हो रही है। ऐसे तो हर महीने कहीं ना कहीं आना जाना लगा रहता था, पर अभी जो है 10 महीने के बाद जा रहे हैं। तो क्या कह रहे, समझ में नहीं आ रहा है क्या पैक करना क्या नहीं। अब ये समझिए दोस्तों, 3 घंटे बाद हमारी ट्रेन है और अभी हम लोगों को पता ही नहीं है कि पैकिंग में क्या करना। तो दोस्तों बातों में तो मैं आपको बता नहीं पाया कि आज जो हम ट्रैवल करने वाले हैं उसमें मेरे सबसे बड़े ताऊ जी मेरे साथ होने वाले हैं और रब्बू भैया मेरे साथ होने वाले हैं। रब्बू भैया तो आपको पहले भी देख चुके हैं व्लॉग्स में और ताऊ जी भी देख चुके हैं मदारन देवी वाले व्लॉग में। अगर आपने नहीं देखा दोस्तों तो ये वीडियो पहले देख लो, उसके बाद वो वाली भी देख लेना। हाँ तो भैया हम लोग हो गए हैं बिल्कुल तैयार निकलने के लिए और टाइम हो रहा है 1:15 दिन के, नहीं रात के। और आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी स्वेटर वगैरह पहने हुए हैं हम लोग, तो वो इसलिए क्योंकि सुबह शाम की ठंड तो थोड़ी बढ़ गई है। चलने का ताऊ जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतने गौर से ताऊ जी क्या देख रहे थे? बाय ताई जी। दोस्तों मैंने लॉकडाउन के बाद ट्रैवल तो किया है, पर आज दोस्तों मैं पहली बार लॉकडाउन के बाद पहली बार अपने यहाँ के रेलवे स्टेशन में आया हूँ जो कि है महोबा जंक्शन। और ये सब देखिए दोस्त, क्या है ये रब्बू भैया, क्या है नया रेलवे स्टेशन खुला है ये? कोई मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी शांति नहीं देखी। नया स्टेशन खुला है, नया खुला है। देखो एक एक इंसान नहीं दिख रहा दोस्तों हम लोगों को, यहाँ जानकारी नहीं है नया स्टेशन की लोगों को, जनता को जानकारी होगी। दोस्तों जो लास्ट व्लॉग्स में आपने देखे थे ना, दिल्ली और कानपुर के रेलवे स्टेशन मैंने आपको दिखाए थे, वो तो फिर भी ठीक थे, पर दोस्तों यहाँ का तो मुझे कुछ सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, पूरा खाली है भाई। बाहर आप लोगों ने देखा कुछ है ही नहीं यहाँ पर, लेकिन खैर प्लेटफॉर्म में कुछ कुछ लोग बैठे दिख रहे हैं। तो वही हमारी ट्रेन को अभी लगभग 1 घंटा है, 1 घंटा है रब्बू का? हाँ लगभग 1 घंटा है। हाँ तो 1 घंटा है, तो तब तक आप थोड़ा वेट करेंगे। हम लोग असल में क्या है कि रात का समय नहीं होता तो हम लोग आधे घंटे पहले घर से निकलते, पर रात का समय था तो भैया पता नहीं था कि ऑटो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम लोग इसलिए ऑटो मिलना भी बहुत मुश्किल था, तो हम लोग इसलिए 1 घंटे पहले घर से निकले और ये कहो कि टाइमली यहाँ पर पहुँच गए। प्रभु आप बताओ, आप तो मतलब मैंने तो ट्रैवल किया है लॉकडाउन में, आप जैसे पहली बार निकले तो कैसा लग रहा? आप जैसे ही मैंने स्टेशन में देखा तो मैं तो बहुत सॉफ्ट हो गया, और मुझे शोले की फिल्म का एक ही डायलॉग याद आ रहा था, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। चलो खैर रब्बू भैया, लेकिन हम लोग यहाँ पर आ गए तो इतना सन्नाटा रहा नहीं यहाँ पे, क्योंकि सब लोग हम ही लोगों को देख रहे हैं और हम लोग आपसे ऐसे कैमरे पे बात कर रहे हैं, तो अब मैं रखता हूँ नहीं तो लोग और ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो भैया इतने ज़्यादा इंतज़ार के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है। तो भैया आज की रात तो पूरी बर्बाद हो गई, क्यों खड़ी तो दिखा दो टाइम देखो दोस्त, 2:46 हो रहे हैं और अब ट्रेन आई है दोस्त, 2 बजे का टाइम था इसका। तो ये ट्रेन आ गई, हम लोग उसके अंदर बैठ गए हैं और सारी सामान वगैरह कर लिए अपनी सीटों में सेट, तो अब हम लोग सीधे जाते हैं सोने के लिए और अब आप लोग से मिलते हैं सीधा ग्वालियर में। तो आप सीधा मिलते हैं ग्वालियर में। तो दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 9 और हम लोग आ चुके हैं ग्वालियर रेलवे स्टेशन। अब दोस्तों आप लोगों को एक बात बताऊँ कि ठंड का हम लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ठंड थी। रब्बू ये बताओ ज़रा क्या हुआ? लिटरली दोस्तों कांपते हुए आए हैं मैं और रब्बू भैया। ताऊ जी की तो वो भी अलग थी, दिक्कत तो नहीं आई रात? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। अब ताऊ जी को दिक्कत आएगी नहीं दोस्तों, उनका स्लीपर वाला था, हम और रब्बू भैया थोड़ा फंस गए थे दोस्त। अब दोस्तों एक और चीज़ कि रब्बू भैया और ताऊ जी तो ग्वालियर पहले आ चुके हैं,
पर मेरा दोस्तों पर्सनली ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मतलब ग्वालियर में, मतलब यहाँ से कई बार निकला हूँ पर ऐसा नहीं है कि ग्वालियर सिटी पहुँचा हूँ या वहाँ पर कुछ मैंने घूमा हो। तो दोस्तों मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जी अब हम लोग का होटल जाने वाले हैं। हाँ होटल चल रहे हैं, फिर उसके बाद तैयार होंगे। चलो फिर दोस्तों होटल वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों होटल वगैरह हमने ले लिया था, उसके बाद हम सब हो गए थे नहा धो के फ्रेश, और अभी आए हम लोग एक रेस्टोरेंट पे। कौन सा राजस्थानी रेस्टोरेंट है यहाँ? तो राजस्थानी रेस्टोरेंट में आया, तो अब आएगा हमारा खाना, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। ताऊ जी का कुछ काम है उसके लिए, और फिर हमारे यहाँ पर घूमना शुरू होगा। जी खाना एक नंबर था, मजा आ गया मुझे तो खाना खा के। ग्वालियर की बहुत प्रसिद्ध दुकान है, 25 वर्ष पुरानी दुकान है। अच्छा हाँ। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, ताऊ जी ने बताया था कि वो तो दोस्तों काफी बार आ चुके हैं, पर दोस्तों मैंने जो खाया ना मजा आ गया, एक नंबर। अगर आप लोग भी आ रहे हैं, गस्त का ताजिया जो चौराहा है वहाँ पर है राजस्थानी भोजनालय, तो यहाँ पर आप आइए दोस्तों, डेफिनेटली आप निराश होके नहीं जाएंगे। दोस्तों उम्मीद तो ये थी कि जो ताऊ जी का हमारा थोड़ा सा काम था वो सुबह एक दो घंटे में पूरा हो जाता, और उसके बाद हम लोगों का प्लान था ग्वालियर में थोड़ी बहुत साइट सीइंग करने का, पर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ऐसी हो गई दोस्तों कि जिनकी वजह से ताऊ जी का काम अभी तक हो नहीं पाया है। उसी के वेट की वजह से हम लोग यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं लूडो खेल के। लूडो की हम लोग कम से कम 2-3 चाल ही खेल चुके हैं, जिनमें से रबुइया मुझे हर चाल ही में हरा रहे हैं। इतने रबुइया आप महारथी कैसे हासिल करी लूडो? बहुत सारी प्रैक्टिस। ये कहाँ जा रहे हैं? ओ भाई साहब ये क्या बना हुआ है?